हेलो गाइस, मायसेल्फ मुस्कान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट पॉइंट। सो गाइस, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास वन और क्लास टू में ईओक्यू, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, री ऑर्डर लेवल, ये सब मेथड्स पढ़े थे जो हमारे उस वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल में जाकर देख लेना। ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास थ्री है जिसमें हम आपका न्यू टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि वो वहाँ पे फिनिश हो गए थे। तो चलिए देखते हैं आपका न्यू टॉपिक क्या है। न्यू टॉपिक है आपका मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। अब मेथड कितने होते हैं, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू के कितने मेथड होते हैं? इसके तीन मेथड होते हैं, लीफो, फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड। तो इसमें क्या होता है, घबराने की कोई बात नहीं है, तीन मेथड हैं, ये है वो है, कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। एक लॉजिक मैं आपको बताऊंगी, वो याद, मतलब अगर उसे समझ लोगे, अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन आज एक ही करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, उसमें आपके तीनों मेथड आ जाएंगे। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके क्वेश्चन आप मुझसे मांग लेना, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूँगी। वैसे आपको मैंने एक बुक बताई थी क्लास वन के एंड में, तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक परचेज़ करनी है, कौन सी बुक से ठीक आता है पेपर। ठीक है, तो आप वो परचेज़ कर लेना। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है आपका, शो हाउ द आइटम्स गिवन बिलो रिलेटिंग टू परचेज एंड इशू ऑफ रॉ मटेरियल विल अपीयर इन द स्टोर लेजर यूजिंग लीफो, फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड ऑफ प्राइजिंग द इशू। यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा, इसमें आप बोल रहा है कि लीफो, फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड, मतलब तीनों आपको इसमें सॉल्व करने हैं, तीनों मेथड आपको इसमें दिखाने हैं, शो करने हैं। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा क्वेश्चन है जैन वन, मतलब हमें आपका पर्टिकुलर्स यूनिट्स और पर यूनिट्स दे रखे हैं, मतलब कि कितने यूनिट्स खरीदिए और कितने में खरीदिए, और यहाँ डेट्स दे रखी। कभी कभार ऐसे होता है ना कि ये डेट्स आगे पीछे दे देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा डेट सीरीज़ में ही होंगी, मतलब सीरीज़ में ही आप क्वेश्चन को करेंगे, आगे पीछे होगी तो डेट फाइंड करके सीरीज़ में होगा। जैसे वन के बाद कभी सेवन दे देते हैं, फिर फाइव दे देते हैं, तो आपको वन के बाद पहले फाइव करना है फिर सेवन करना है, ये सीरीज़ ठीक सीधी रहनी चाहिए। आगे पीछे अगर क्वेश्चन में देते भी हैं तो हमको नहीं लेना है। ठीक है, चलो यहाँ तो हमें लाइन से दिए हैं 1, 5, 11, 22, 24, 28, 31। तो ठीक है, जैन वन में हमारी है ओपनिंग बैलेंस 3000 यूनिट है, 220 पर यूनिट है। ठीक है, 20 पर यूनिट का प्राइस है। 5 जैन की हमारी है परचेस करे हैं हमने 2000 पर, प्राइस है 22। 11 में करा है हमने इशू करा है 1500 यूनिट पर, प्राइस हमें प्राइस दिया नहीं है, यह हमें फाइंड करना है। ठीक है, 22 में हमें परचेस करा है 2023 से 23 प्राइस पर यूनिट से, फिर हमने 24, 28 में इशू करा है, प्राइस पर यूनिट हमें पता नहीं है। ठीक है, कभी भी इशू में प्राइस पर यूनिट नहीं देता है, यह हमें खुद से फाइंड करना होता है। ये कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको सॉल्यूशन करते हुए बताऊंगी। और अब लास्ट में आप देखोगे 31 जनवरी को आपका शॉर्टेज दे रखा है 50। तो अब आप सोचोगे इशू और परचेज तो चलो सही है, परचेज माने आपका खरीदना हो गया और इशू माने आपका बेचना हो गया, अभी शॉर्टेज क्या है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका मतलब आपका इशू ही होता है, इसमें भी प्राइस पर यूनिट नहीं दिया होता, ये भी आपको खुद से फाइंड करना होता है। ठीक है, चलो अब आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम देखेंगे लीफो मेथड। ठीक है, तो लीफो मेथड का एक मैं आपको लॉजिक बताने वाली थी। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा तीनों मेथड में, डेट का कॉलम आएगा, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। अब रिसिप्ट में आपके तीन कॉलम आएंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशू में आपके तीन कॉलम आएंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बैलेंस में आपके तीन कॉलम आएंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब क्वांटिटी आपको दी गई होगी परचेस की, रेट भी आपको दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन अमाउंट आपका आ जाएगा। अब इशू में आपका एक प्रॉब्लम है कि आपको रेट नहीं दिया है ना, तो रेट कैसे लेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, देन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट। बैलेंस आपका जो बैलेंस बचता जाएगा वो रेगुलर आता जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपकी एक डेट की एंट्री कंप्लीट होगी तो लाइन खींचना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे कि फॉर्मेट में आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो मैं बताती हूँ कैसे हुआ।
आपकी एक जन की एंट्री है, ओपनिंग बैलेंस 3000 यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट 20। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, जैन हमने डेट में जैन 1 लिखा। अब हमने, हमारे पास ना हमने इशू करा है ना हमने परचेस करा है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर का या लास्ट मंथ का, जो भी आप कह सको। तो क्वांटिटी हमारी है 3000, रेट था हमारा 20, देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 हमारा अमाउंट आ गया, दैट ये एंट्री हो गई। अब लाइन खींच देंगे, हो गया कंप्लीट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंस अगर देते हैं तो लिखना है, नहीं देते हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस आपका नहीं होगा तो आपका वो स्टार्टिंग में परचेस देंगे, क्योंकि जब तक सामान आपके पास होगा नहीं तो बेचोगे कहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एंट्री आपकी है परचेसेस। 5 जन को उन्होंने परचेस करे हैं 2000 यूनिट्स, प्राइस है 22। ठीक है, तो देखते हैं, 5 जन आपका 2000 इसने परचेस करा है, क्वांटिटी में आपका 2000 आ गया, रिसिप्ट है आपका, रिसिप्ट मतलब परचेस। ठीक है, क्वांटिटी में 2000 आ गया, रेट आपका 22 था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अमाउंट। अब बैलेंस कैसे लिखना है, जो आपका पहले का बैलेंस था वो पहले का ही रहेगा, जैसे कि 3000 आपका 20 पर यूनिट पे था तो वो वैसे का वैसा आपका ओपनिंग का ओपनिंग आ जाएगा। देन उसके बाद इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, लीफो मेथड में एक चीज़, लीफो फीफो में ऐड नहीं करते हैं, जो ऊपर का है वो एज इट इज़ उतार देते हैं। देन हम अगर इशू कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, परचेस इशू का तो उसमें से माइनस होता है, और परचेस का हम एज इट इज़ जो हम परचेस करते हैं वो वैसे के वैसे उतार देते हैं। अब लीफो मेथड में आपको इशू, ठीक है, तो हमने 2000 यूनिट परचेस करा 22 की यूनिट से, 22 पर प्राइस से, और 44,000 आपका आ गया अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एज इट इज़ उतार दिया। आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन में कुछ भी इन्होंने चेंजेस नहीं करा है, जो ओपनिंग था वो ओपनिंग है, जो परचेस करा वो उसके नीचे उतार दिया, देन अंडरलाइन कर देंगे क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है आपकी, इसमें जैन 11 की इशू करे हैं 1500 यूनिट, पर हमें प्राइस नहीं पता, तो अब हम प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्राइस हम निकालेंगे, जैन 11 की आपकी है 1500 यूनिट आपने इशू करे। अब हमने यहाँ, इन्होंने रेट 22 ले रखा है, यहाँ इन्होंने 22 क्यों लिया, सोचने वाली बात है। तो लीफो मेथड में मैंने आपको बताया था, एक लॉजिक बताऊंगी, लीफो में हमेशा जो हम बाद में परचेस करते हैं उससे इशू करते हैं, मतलब उसको पहले बेचते हैं, और फीफो मेथड में जो हमारे पास पहले का स्टॉक होता है, मतलब जो हमारे पास पहले से होता है उसको पहले बेचते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, लीफो में जो बाद में परचेस करा है उसको पहले बेचते हैं, और फीफो में जो पहले परचेस करा उसको पहले बेचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले का था 3000 यूनिट, 20 पर प्राइस से 60,000, तो उसको तो हमें टच करना ही नहीं है क्योंकि ये लीफो मेथड है। तो इसमें हमें टच क्या करना है, 2000 यूनिट्स थे हमारे पास 44,000 से, जो हमने अभी इसके ऊपर वाली एंट्री में ही परचेस करा था। इशू करने के ऊपर वाली एंट्री में जो परचेस करेंगे, मतलब कि बैलेंसिंग का सबसे लास्ट वाला बैलेंस जो है हमारा सबसे लास्ट वाला, वो बेचते हैं। समझ आ रहा है, तो देखो 1500 यूनिट्स है हमारे, और 22,000 का रेट क्या था हमारा, 22, मींस आप 1500 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अमाउंट लिख देंगे। अब बैलेंस कैसे लिखेंगे, मेन बात आती है, तो आपका 3000, 20 यूनिट, 60,000 ये एज इट इज़ उतर जाएगा क्योंकि हमारा पहले का है, और अब हमने जो 2000 खरीदा था उसमें से हमने 1500 बेच दिया, तो कितना बचेगा, 500 लिख देंगे बैलेंस में, 22 रेट है, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सॉल्व इट, एंट्री क्लोज कर देंगे अंडरलाइन करके। नेक्स्ट आपकी है जैन 22 को आपने परचेस करे हैं फिर से 2000 यूनिट, 23 पर यूनिट प्राइस है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, परचेस करा है 2000 यूनिट, 23 पर प्राइस है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैलेंस, ये बैलेंस एज इट इज़ उतार देंगे, ये एज इट इज़ उतार देंगे, उतार दिया यहाँ पे,
यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट आपने जो अभी परचेस करा था वो एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है Jan 24 की, हमने इशू करे हैं 1500 यूनिट। प्राइस हमें फिर नहीं पता कि हमने कितने यूनिट में बेचना है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था जो बाद में ख़रीदा है उसके प्राइस पे बेचना है। तो बाद में हमने अभी क्या परचेस करा था, 23 यूनिट्स करा था, तो हम 1500 यूनिट को बेच देंगे 23 प्राइस पे लास्ट वाले पैसे, और जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैलेंस कैसे लिखना है। बैलेंस मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था 3000 पहले का था, सबसे पहले का वो एज इट इज़ आ जाएगा। 500 हमारा पहले का था, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करे, जो अब ख़रीदा है हमने तो उसमें से बेचा है, ठीक है। तो हमारा 1500 किस में से गया है, जिसका प्राइस है 23, मतलब ये लास्ट वाला 2000 यूनिट, ठीक है। तो 2000 में से 1500 जाएंगे, फिर से 500 बचेगा, 500 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे देन अमाउंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है Jan 28, इशू करे हैं हमने 2000 यूनिट, प्राइस हमें फिर से नहीं पता है, तो हम अब इसको कैसे करेंगे। और अभी तो हमने कोई परचेस भी नहीं करा है, पहले तो हमारा ये हो रहा था कि पहले हम परचेस कर रहे थे देन इशू कर रहे थे, तो आपको ये था कि जो अभी परचेस करा है उसमें से बेचना है। तो ये आपका समझने वाला है, अगर आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ गया पूरा, ठीक है। पहले हमें पूरा टोटल कितना बेचना है, 2000, पर हमारे पास लास्ट कितना है, सिर्फ 500, है ना। लास्ट हमारे पास सिर्फ 500 है, तो 500 को हम बेच देंगे, ठीक है। आप अपना बैलेंस एक साइड में बचा के रखना कि कितना बचा। अब 2000 में से 500 बिक गया तो कितना बचा, 1500। अब हम चलेंगे सेकंड वाली एंट्री के पास, सेकंड एंट्री में हमारा कितना है, नीचे से देखना है ना, तो सेकंड हमारा कितना है, फिर से हमारा 500 है 22 से, तो 500 फिर बेच देंगे 22 से, 11000 आपका अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हमारा बैलेंस कितना बचा है, 1000, पूरा 2000 बेचना था ना, अभी तक 1000 ही बिका है, मतलब कि हमारा अभी 1000 और बेचना है। तो 1000 और कैसे बिकेंगे, जो हमारे लास्ट है 3020 पर यूनिट से 60000 जिसका अमाउंट है, ये हमारा अभी बचा है, ये हमारा शुरू से चलता रहा, क्योंकि इस तक अभी हम पहुँचे ही नहीं थे, हमारे पास इतना स्टॉक था जो हमने अभी परचेस करा था कि उसमें से हमारा बिक जा रहा था, बट लास्ट में हमसे इतना ज़्यादा मांग लिया कि हमारे पास जो हमने लास्ट का हमारा बचा हुआ था वो सब ख़त्म हो गया। अब हमें पुराना माल बेचना है। मान लो आप लोग कोई शॉप चलाते हो, ठीक है, जो जहाँ परचेस सेल होती रहती है, आपने आपके पास पहले से कोई स्टॉक था, देन आपने न्यू परचेस करा, कोई कस्टमर आया ख़रीदने, आपके पास पहले से स्टॉक था 500, देन न्यू आपने परचेस करा 1000, कोई कस्टमर आया ख़रीदने, उसने आपसे 500 मांगा, तो आपने जो न्यू परचेस करा उसमें से आपने 500 दे दिया, आपके पास पहले वाला 500 बचा है, और अब जो आपने परचेस करा था वो 500 बचा है। पहले वाला आपने अलग क्वांटिटी अलग प्राइस यूनिट्स अलग प्राइस में ख़रीदा था, और अब वाला अलग प्राइस में ख़रीदा है, ठीक है। देन सेकंड कस्टमर आया आपके पास, आपने परचेस नहीं करा कुछ भी, अब आपके पास पहले का 500 है एंड अभी जो ख़रीदा था उसमें से भी 500 है। देन सेकंड कस्टमर आता है आपके पास, वो आपसे कहता है कि मुझे 700 क्वांटिटी चाहिए, बट आपके पास जो लास्ट आपने परचेस करा था उसमें से आपके पास 500 ही है, तो आप पहले उसको वो 500 दे दोगे उतने प्राइस से जितने कि आपने वो 500 ख़रीदा था। लॉस तो नहीं करोगे अपना, जितने पे ख़रीदा था एज एटलीस्ट उतने पे तो बेचोगे ही, बढ़ाकर ना ही बेचो शायद, ठीक है। तो उतने में आप उसको वो बेच दोगे, अब उसको चाहिए तो 700, बट आपने उसको अभी 500 ही दिया है, तो 200 और तो कहीं से दोगे, तो आपका जो पहले का रखा है उसमें से दोगे। तो सेम ऐसी इसमें से आपने 1000 बेच दिया अब वाले में से, जो भी था दोनों आपके कंप्लीट हो गए, देन आपका 3000 पहले का है, ठीक है। तो 1000 3000 में से बेच देंगे 20 के प्राइस से, 20000 आपका कोई आंसर आ जाएगा इसका। देन अब आपको निकालना है बैलेंस, तो 500 वाला जो था हमारा वो बिक गया था, 1100 हमारा बिक गया पूरा। देन जो 300 बचा है क्वांटिटी, 300 में से हमने 100 ही बेचा था,
जिसमें से हमारा अभी 200 क्वांटिटी बची है, मींस आपके पास 200 क्वांटिटी है, 20 पर प्राइस से 40,000 आपका मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लास्ट एंट्री है January 31st की शॉर्टेज। शॉर्टेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज होने वाला कुछ वर्ड नहीं है। शॉर्टेज मतलब आपका कम हुआ, इशू का मतलब आपने अभी आपने इशू कर लिया, मतलब खरीद लिया, बेच दिया किसी को, मतलब इशू कर दिया किसी ने, ठीक है। सेम ऐसी शॉर्टेज मतलब आपका कम हो गया, आपके स्टॉक में से कुछ चीज़ कम हो रही है, मतलब शॉर्टेज इशू हुआ है। ये वर्ड कभी कभार वो लोग दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसमें भी आपको सिर्फ यूनिट्स देंगे, प्राइस नहीं देंगे। तो यूनिट्स दिए, प्राइस नहीं दिए, तो प्राइस आप सेम एज इट इज़, जैसे इशू में हम प्राइस फाइंड करते हैं वैसे इसमें भी हम प्राइस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। 31st Jan है इशू का, मतलब शॉर्टेज हमारी 50 यूनिट्स। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, 2000 क्वांटिटी है, 20 यूनिट्स के हिसाब से और 40,000। तो कुछ भी सोचने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास और कुछ स्टॉक है ही नहीं, सिर्फ 20,000 की क्वांटिटी है, 20 पर प्राइस है जिसका। तो हम उसमें से 50 बेच देंगे और 20 पर प्राइस से जो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा अमाउंट, वो आप यहाँ पे लिख देना। देन 2000 में से 50 बिक गया और, तो 1950 बचा 20 पर प्राइस से, ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई करके आप इसका अमाउंट लिख देना। देन क्लोजिंग स्टॉक जो आपका सेम ऊपर लास्ट आपका बचा होगा, वो आपका नीचे एज इट इज़ उतर जाएगा, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। लीफो में एक बात ये थी ध्यान रखने वाली कि इसमें नीचे से बिकता है, मतलब कि जो हम बाद में परचेस कर रहे हैं वो हम पहले बिकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका फीफो मेथड। अब फीफो मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमारे पास पहले से है हम उसको पहले बेचेंगे। कुछ कुछ सामान ऐसा होता है ना, जैसे कि दूध मान लो, अगर हमारे पास कल का दूध है और आज हमने फिर से परचेज़ करा, तो पहले हम कल वाला बेचेंगे क्योंकि भाई वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पुरानी वाली नहीं भी बेचेंगे, कोई बात नहीं, दोनों सेम है, बस क्वांटिटी अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल वैसे ही होगा, बस इसमें हम जो इशू करेंगे वो नीचे से ऊपर से बेचेंगे। फीफो मेथड में होता है सेम यही, ऊपर से बेचेंगे, ठीक है। मैं एरो लगा देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि किधर से किसको क्या करना है। ऊपर से बेचेंगे मतलब, ठीक है। चलो देखते हैं, परचेस हमने वैसे ही डिटो, क्वेश्चन हमारे पास सेम है तो हम बिल्कुल वैसे ही परचेस कर लेंगे। अब आती है इशू करने की बारी। वहाँ पे हमने इशू करा था 22 प्राइस से, क्योंकि नीचे वाले में से इशू करा था, तो नीचे वाले का बैलेंस लिखा था माइनस करके। अब हम इसको 300 में से इशू करेंगे 20 पर प्राइस से 60,000 जिसका अमाउंट था, तो 1500 आपने इशू करा 20 पर प्राइस से, आपका 30,000 आंसर आ गया। देन आपको बैलेंस कैसे लिखना है, 3000 में से 1500 माइनस होगा, तो 1500 बचेगा 20 पर यूनिट से, और 30,000 आपका अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। देन आपका जो आपने न्यू परचेस करा था 2022 पर प्राइस से 44,000 जिसका अमाउंट था, वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो तो हमने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि ये फीफो मेथड है जिसमें हम ऊपर से बेचते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट 2000 आपने फिर से परचेस करा 23 पर क्वांटिटी से, आपका मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। फिर आप इसको लिखेंगे लास्ट में, बैलेंस हमेशा जो बाद में ख़रीदेंगे वो बाद में ही लिखेंगे, पर बेचेंगे ऊपर से। तो 22,000 हमने बाद में ख़रीदा 23 के प्राइस से, नीचे लिखेंगे उसको भी, और इसको भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है 24 Jan, जिसमें हमने 1500 फिर से यूनिट वो करें इशू। तो अब हम देखते हैं हमारे पास 1500 ही था, सबसे ऊपर हमारे पास कितना है 1500, ये हम पूरा इशू कर देंगे कितने के प्राइस से, 20 के प्राइस से। तो 20 के प्राइस से इसको पूरा इशू कर दिया। अब हमारे पास ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया, हमारे पास पहले का जो स्टॉक था, पहले का जो दूध था, वो हमारा पूरा बिक गया, ठीक है। बाद में जो हमने 2000 ख़रीदा था 22 और 23 की क्वांटिटी से, वो हम अपना एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है।
फिर हम इशू करेंगे 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट सबसे पहले हमें ऊपर वाली बेचनी है, तो हम क्या बेचेंगे, कौन सी वाली बेचेंगे, ये वाली 4400 वाली। तो 2000 पूरी बिक जाएगी 4400 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शॉर्टेज है 50 क्वांटिटी की, मतलब 50 क्वांटिटी फिर से इशू कर लिया किसी ने, तो 50 क्वांटिटी, अब इसमें से 50 क्वांटिटी बिक जाएगी आपकी, तो बचेगा 1950। 23 की क्वांटिटी से जो बैलेंस आएगा आप लिख देना मिनिम, ये क्वांटिटी आपकी आगे पीछे आ सकती है। लीफो और फीफो में से कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है लीफो में आपका जो हम बाद में परचेस करते हैं वो पहले बेचते हैं, और फीफो में आपके पास जो पहले से होता है वो पहले बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वेटेज एवरेज मेथड। तो इसमें आपका क्या ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ना तो पहले बाद में, इसमें पहले बाद में का कोई झंझट ही नहीं है, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, पहले बाद में कुछ नहीं देखना। आपका ओपनिंग बैलेंस था 3000, आप 20 उसकी प्राइस थी, अमाउंट लिख दिया, देन आपने परचेस करा 2000 यूनिट 22 पर प्राइस से, तो आपने ये भी अमाउंट लिख दिया। परचेस में भी कोई कुछ नहीं करना, जैसे आपने लीफो फीफो में परचेस करा है सेम वैसी आप यहाँ पे भी लीफो फीफो की तरह ही यहाँ पे भी परचेस करोगे। और बट अब आपका बैलेंस निकालते हुए क्या करना है, लीफो को लीफो की क्वांटिटी में क्या करना था कि नीचे लिखना था, और फीफो में भी बैलेंस के नीचे लिखना था, दोनों सेम था, वो बैलेंस सेम तरीके से निकल रहा था, नीचे जाके लिखना था परचेस कर रहे थे। तो इसमें क्या करना है, 3000 हमारे पास पहले से थे, 2000 अब खरीद लिए, तो क्या हो गए 3000 और 2000 5000, इसमें हमें प्लस करके लिखना है। फिर अब आप सोच रहे होंगे अब रेट कैसे करेंगे प्लस, रेट प्लस करेंगे 22 और 20, तो यहाँ तो 20.8 रेट आ रहा है, हमारा तो मैच नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ रेट कैसे लिखना है। रेट का कॉलम खाली छोड़ दो, 60,000 प्लस 44,000 आप प्लस करोगे 104,000 आएगा, 1,400,000 4,000 आएगा आपका। डन, अब आपको बैलेंस का रेट कैसे निकालना है, 1,04,000 डिवाइडेड बाय 5,000 सॉरी, ठीक है, मतलब ये इसके डिवाइडेड में ये, ठीक है। तो आप जब 1,04,000 को डिवाइड करोगे 5,000 से, तो 20.8 आपका रेट आएगा, ठीक है। देन आप इशू कर रहे हो 1,500 यूनिट, आपका रेट एक ही है 20.8, तो उसी रेट से आप इसको बेच दोगे, ठीक है। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे, फिर से 500 में से 1,500 गया, 3,500 बचा, देन आपका बैलेंस में से बैलेंस माइनस हो जाएगा, 1,04,000 में से 31,200 माइनस हो जाएगा आपका, ये बचेगा, देन इसके डिवाइड, देन अमाउंट के डिवाइड में क्वांटिटी। तो अमाउंट से आप जब क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो 20.8 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जैन 22, जिसमें आपने फिर से परचेस करे हैं 2000 यूनिट 23 पर प्राइस से, तो सेम वैसी क्वांटिटी से क्वांटिटी प्लस कर देंगे, 3,500 में करेंगे 2000 प्लस, तो 5,500 आएगा, देन अमाउंट से अमाउंट प्लस करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 1,18,800, देन इसके अपॉन में ये रख देंगे, अमाउंट के अपॉन में क्वांटिटी रखेंगे, तो आपका 20.21.6 आपका रेट आ जाएगा। देन आपने इशू करा है 24 को 1,500 यूनिट्स, तो एक ही रेट है, उसी रेट से आप बेच दोगे, देन क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करोगे, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करोगे, फिर अमाउंट के अपॉन में क्वांटिटी रख दोगे, आपका रेट आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल सा है, अमाउंट का पाउंड में क्वांटिटी रखनी है, रेट आ जाएगा, क्वांटिटी से क्वांटिटी प्लस होगी, क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस होगी, अमाउंट से अमाउंट प्लस होगा, और अमाउंट से अमाउंट ही माइनस हो जाएगा, और रेट आपका आएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सेम ऐसी 2000 आपने इशू करा, 21.60 क्वांटिटी थी, रेट आपका था, मतलब लास्ट तो कुछ था ही नहीं इसमें, और 43 आपका इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, देन क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस होएगी और अमाउंट में से अमाउंट माइनस होएगा, देन उसको आप अमाउंट के अपॉन में क्वांटिटी रखोगे तो फिर से 21.6 आपका सिक्स आएगा, अप्रोक्स में आ सकता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अप्रोक्स हटाकर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपका शॉर्टेज है 50 का,
क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करनी है, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करना है, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आपका फिर से ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा दिस। क्लोजिंग बैलेंस और अमाउंट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस की क्वांटिटी, अमाउंट, रेट आपका तीनों में डिफरेंट आ सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका याद रखना कि लीफो में आपका होगा बाद में बिकेगा, मतलब जो बाद में आया वो पहले बिकेगा, फीफो में आपका होगा जो पहले से है पहले हम वो बेकेंगे, और आपका वेटेज एवरेज में ना पहला है ना बाद में, क्वांटिटी से क्वांटिटी प्लस करनी है, अमाउंट से अमाउंट प्लस करना है, देन अमाउंट अपॉन में क्वांटिटी डिवाइड करना आपका रेट आ जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं एंड होती है, आपका ये मेथड ऑफ प्राइजिंग ख़त्म हो गया। इसके तीन ही मेथड थे, तीनों मेथड एक क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन बनेगा 15 नंबर का, तो अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो तीनों मेथड दे देगा वो, क्वेश्चन एक ही रहेगा पर तीनों मेथड बनाने होंगे, तीनों मेथड से करके दिखाना होगा। और अगर एक कोई देगा तो उसके साथ बी या बी पार्ट में कुछ और भी दे सकते हैं, तो ये आपका 7 मार्क्स का पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, आप मुझसे वहाँ पे जाके क्वेश्चन मांग लेना, ठीक है, मैं आपको दे दूँगी। और अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भी बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बेस्ट ऑफ लक।